please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. PM Modi कर्नाटक में BJP उम्मीदवारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पीएम मोदी गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी उम्मीदवारों से चुनाव के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के प्रोफाइल की जगह इंसानियत और भाईचारे का संदेश लिख दिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने पुलिस के लिए मुखबिरी करने के शक में एक लड़के की हत्या कर शव को बीच सड़क पर फेंक दिया। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर देश के अलग अलग राज्यों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। अपने मंगोलिया दौरे में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एक बौद्ध मठ गई और भिक्षुओं से मुलाकात की। यूपी के लखीमपुर खीरी में दो पक्षों का झगड़ा सुलझाने गए चौकी इंचार्ज पर ही हमला कर दिया गया जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के इलाहाबाद में कुंभ मेले की तैयारियों के बीच पर्यटन विभाग ने सैलानियों के लिए बने बंगलों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। राजस्थान के श्री गंगानगर में रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ लोगों पर मोबाइल चोरी के एक आरोपी को हाथ पांव बांधकर पीटने का इल्जाम लगा। मध्य प्रदेश के दमोह में लोग अपनी जान खतरे में डालकर 40 फीट गहरे कुएं में उतरकर पानी भरने को मजबूर हैं। यूपी के फिरोजाबाद में खेत के बीच में खड़े कुछ पुलिस वाले जांच करते नजर आए। आरोप है कि खेत में एक लड़की की उसी के पिता और भाई ने पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और हत्या के सबूतों की तलाश करने लगे। पुलिस ने बताया कि मारी गई लड़की अपने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन लड़की के पिता और भाई इस संबंध के खिलाफ थे और बात नहीं मानने पर उन्होंने लड़की की हत्या कर दी। लड़की पिता की बात नहीं मानती थी, इस चक्कर में बाप और बेटे दोनों ने मिलकर, यानी उसके मृतका के भाई और पिता ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। लड़की की हत्या करने के बाद आरोपी पिता और भाई मौके से फरार हो गए, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस ने जांच टीम बना दी। सवाल है कि झूठी शान के लिए कब तक लोग अपने ही सगे संबंधियों की हत्या करेंगे। पुलिस को मामले की तुरंत जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यूपी के बदायूं में एक लड़का हाथ में कुछ कागज पकड़ कर दिखाता नजर आया। आरोप है कि बदायूं के SBI बैंक में उसके नाम का फर्जी खाता खोलकर हजारों रुपए का लेन देन किया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही पीड़ित लड़के ने इसकी शिकायत जिला अधिकारी से की और फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पीड़ित लड़के ने बताया कि सरकारी स्कॉलरशिप पाने के लिए वो बरेली में SBI की एक शाखा में अकाउंट खुलवाने गया, जहां उसे मालूम चला कि उसके नाम का अकाउंट बदायूं में SBI की एक शाखा में पहले से ही खुला है। पीड़ित छात्र का आरोप है कि गांव के प्रधान ने धोखे से उसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले ली थी, फिर SBI के ब्रांच मैनेजर और ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मचारियों के साथ मिलकर उसके नाम का फर्जी अकाउंट खोल लिया। जिला अधिकारी के आदेश पर बैंक मैनेजर समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। जांच पड़ताल करके जो भी दोषी लोग होंगे, जो अगर फर्जी खाते खोलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बात की भी जाँच की जा रही है कि आरोपियों ने और किन किन लोगों के नाम पर ऐसे फर्जी खाते खुलवाए। सवाल ये कि इन फर्जी खातों के जरिए किसका पैसा जमा किया जा रहा था। पुलिस को मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए ताकि इस पूरे मामले का खुलासा हो सके। दिल्ली और NCR के लोगों को गुरुवार तक कड़ी धूप और तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2 दिनों में दिल्ली में तापमान में 1 से 2 डिग्री के उछाल दर्ज की जा सकती है। सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मंगलवार को दिल्ली का तापमान बढ़कर 38 तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान बढ़ने का सिलसिला गुरुवार तक जारी रह सकता है और गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक रहने का अनुमान है, लेकिन शुक्रवार को NCR के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और आंधी के साथ तेज बारिश होने का अनुमान है। क्रिकेटर गौतम गंभीर ने IPL टीम दिल्ली डेयर डेविल्स की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। गौतम ने ये फैसला अपनी टीम के खराब प्रदर्शन की वजह से किया। उनकी जगह अब श्रेयस अय्यर को दिल्ली डेयर डेविल्स टीम का कप्तान बनाया गया है। दिल्ली डेयर डेविल्स इस बार के IPL में 6 में 5 मैच हारकर सबसे निचले पायदान पर है। तो दिल्ली डेयर डेविल्स की कप्तानी छोड़ी है गौतम गंभीर ने और अब उनकी जगह श्रेयस अय्यर संभालेंगे टीम की जिम्मेदारी। खराब प्रदर्शन की वजह से उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। And at the same time, the performance of the team, I had to take the responsibility being the leader of the ship, and I owe that responsibility, I should, as a leader. So I feel that it was the right time to maybe put my hand up and say that where we stand in the points table, I have to owe up that responsibility.